नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम सोकोमा एक्सपर्ट्स लिमिटेड शेयर का डेटा स्पेयर टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस जो है उसका एक बड़ा टाइम फ्रेम का रिवर्सल का साइन दिखाई दे रहा है। और जिस टाइप का प्राइस सेटअप अभी शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई कि आने वाले टाइम में बड़ा मूवमेंट आ सकता है अपसाइड के तरफ। तो क्या चार्ट सेटअप बन रहा है और क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है, डिटेल्स में आज की वीडियो में वो एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट ऊर्जा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखेंगे ट्रेडिंग का एंड इंडस्ट्री है ट्रेडिंग का, जैसे कि स्टॉक का मार्केट कैप है 486 करोड़ का, जो कि एक छोटा सा माइक्रो कैप कंपनी है। एंड इस कंपनी के पास रिजर्व कैश है 427 करोड़ का, लगभग मार्केट कैप का बराबर इसके पास रिजर्व कैश है। करंट प्राइस चल रहा है 20.7 एंड इसका जो बुक वैल्यू है 19.2, बुक वैल्यू के आसपास अभी करंट प्राइस चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू बन रहा है 1.11, डिविडेंड लिए 0.08%। इसका मीनिंग है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर के साथ कुछ प्रॉफिट यहाँ पे शेयर कर रहा है। अगर आप लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे -11%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 33% एंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 8%। लास्ट 5 ईयर से उतना कुछ बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अगर डेप्ट इक्विटी देखेंगे 0.03, तो आप इसको एक जीरो डेप्ट कंपनी मान सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। एंड प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 62%, जो कि अबव 50% मार्क है, जो कि मैनेजेबल है। अगर अभी हम स्टॉक का क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए दोनों यहाँ पे लगभग फ्लैट है। अगर लास्ट 3 क्वार्टर का देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन अगर सम करके देखेंगे तो नेट प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों अभी के लिए तो फ्लैट टू पॉजिटिव आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। प्रमोटर का होल्डिंग 62% बहुत ही अच्छा है। FI के पास कुछ भी माल नहीं है, DI के पास कुछ भी माल नहीं है एंड पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 38%। अगर पब्लिक कैटेगरी में बिग इन्वेस्टर का होल्डिंग देखेंगे तो बिग इन्वेस्टर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं अराउंड 5%। 38% पब्लिक कैटेगरी का होल्डिंग है एंड बिग इन्वेस्टर पब्लिक कैटेगरी में होल्ड कर रहे हैं 5%। 38 - 5 अराउंड बन रहा है 33% यहाँ पे पब्लिक होल्ड कर रहे हैं, जो कि एक रेड फ्लैग है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन एबव 20% उसको रेड फ्लैग कंसीडर कर सकते हैं एंड इस स्टॉक में यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन एबव 30% इस रेड फ्लैग कैटेगरी में ले सकते हैं। देखिए प्राइस हमेशा से फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। अगर अगेनुअल टाइम में इसका EPS में ग्रोथ देखने वाला होगा ना, प्राइस अभी से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि स्टॉक का प्राइस में अभी चार्ट सेटअप दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग हायर फॉर्मेशन आने वाले टाइम में क्रिएट कर सकता है। अगर उसी सर्टन लेवल को प्राइस ब्रेक कर लेता है तो यहां से भी बड़ा मूवमेंट अपसाइड की तरफ आ सकता है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं किस टाइप का सेटअप शो कर रहा है। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन है सोकोमा एक्सपर्ट्स का और यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे तो देखिए जो ब्लू लाइन जा रहा है, ये था प्राइस के लिए मॉनिटर का सपोर्ट। प्राइस यहाँ पे 2009 में यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन किया था। उसके बाद देखिए प्राइस जब भी इस ब्लू लाइन के आसपास आया है, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम बाइंग देखने को मिला है। एंड एग्जैक्टली 2021 में प्राइस यहाँ पे जो मॉनिटर का सपोर्ट था उसको टेस्ट करने के बाद ये बाउंस देखने को मिला था एंड फाइनली एक बाउंस के बाद प्राइस देखिए कि रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था। और जिस टाइप का अभी सेटअप शो कर रहा है, प्राइस अभी जो प्रीवियस स्विंग हाई बन रहा है नियरली 22.3, उसी लेवल को ब्रेक करने के लिए रेडी है। तो क्लियर कट देखिए प्राइस यहाँ पे एक मल्टी मंथ का कंसोलिडेशन हुआ है एंड प्राइस जैसे ही उसका प्रीवियस स्विंग हाई जो कि बन रहा है 22.3 उसी लेवल को ब्रेक कर देगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो RRR स्ट्रैटेजी वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी के लिए वेट कीजिएगा, एक बार प्राइस 22.3 लेवल को ब्रेक करने दीजिएगा इस स्विंग हाई को, जिसके बाद ये जो RRR स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं। एंड RRR स्ट्रैटेजी क्या है उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस हाई को ब्रेक करने के बाद 22.3 को उसी केस पे उसका जो प्रीवियस स्विंग लो बन रहा है वो बनेगा एग्जिट पॉइंट। एंड यहाँ पे जो RRR स्ट्रैटेजी बन रहा है ये स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगा अगर प्राइस उसका प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर लेता है तो। लेकिन जो RRR स्ट्रैटेजी ना तब भी एक्टिवेट होगा जो प्राइस यहाँ पे इस स्विंग हाई को ब्रेक करे।
करेगा जो कि 22.3 लेवल है। अभी चल रहा है प्राइस 20.30 एक बार और 2 पॉइंट ऊपर जाने दीजिएगा। 22.3 लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा उसके बाद आप ट्रिपल आर स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं, प्रीवियस स्विंग लो एग्जिट पॉइंट। ट्रिपल आर स्ट्रैटेजी क्या है लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसका टारगेट बनेगा लाइफ हाई जो कि बन रहा है 42 के आसपास, उसके ऊपर भी जा सकता है लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे 41-42 तक टारगेट प्लेस कर सकते हैं। जिस टाइप का सेटअप शो कर रहा है यहाँ पे एक बार जाकर टेस्ट कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सेटअप तभी एक्टिवेट होगा जब प्राइस यहाँ पे इस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। अगर प्राइस यहाँ पे इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता है उस केस में इसको जाने दीजिएगा, कुछ काम नहीं है। इसको ब्रेक करने के बाद जाकर नेक्स्ट अपसाइड देखने को मिल सकता है, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके साथ अगर अभी हम राशियों चार्ट देखेंगे, राशियों चार्ट में भी कुछ साइन यहाँ पे शो कर रहा है। तो सकुमा एक्सपोर्ट्स वर्सेस निफ्टी 500 का राशियों चार्ट, तो आप अभी क्लियर कर देख सकते हैं प्राइस के लिए जो मल्टीयर का रेजिस्टेंस था ना, ए वाला लाइन जिस लेवल के आसपास प्राइस देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे सप्लाई मिला है। प्रीवियसली देखिए ये जो स्टार्ट हुआ था 2006 से ये जो रेड लाइन था वो था रेजिस्टेंस, एंड प्राइस यहाँ पे देखिए इस जोन के ऊपर रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक कर दिया। इस रेड लाइन अभी के लिए हो गया सपोर्ट। जब भी प्राइस कोई भी मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेता है, ब्रेक करने के बाद अगर पुल बैक करेगा वही मेजर रेजिस्टेंस अभी के लिए यहाँ पे सपोर्ट जैसा काम करना था, लेकिन प्राइस देखिए फिर से इसको ब्रेक कर दिया। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये रेड लाइन अभी के लिए बन गया है रेजिस्टेंस। एंड एग्जैक्टली देखिए उसी रेड लाइन से प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिल रहा है। जैसे ही प्राइस ये जो रेंज बना है ना राशियों चार्ट, इसको ब्रेक करके उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग देगा ना, उसके बाद यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ से मल्टीपल कपल ऑफ मंथ या कपल ऑफ ईयर तक प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखिए ये था एक स्ट्रांग रेंज, बस इसी रेंज को प्राइस ब्रेक करने के बाद राशियों चार्ट में भी कन्फर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन अभी राशियों चार्ट कंसोलिडेशन कर रहा है, एक बार ब्रेक करने के बाद बड़ा मूवमेंट आ सकता है। उसके साथ प्राइस स्ट्रक्चर में भी अभी कन्फर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है। प्राइस स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशन तभी मिलेगा 22.3 के ऊपर, जो कि ऑलरेडी हम एनालिसिस कर चुके हैं। एंड एज यूजुअल हमेशा से क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।